स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम रेलवे एग्जाम 2019 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 वहाँ लेके आ रहे हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हम कुल मिला के लगभग 50 क्वेश्चन कवर करेंगे और ये वीडियो होगी स्टैटिक जीके के लिए। सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर जॉब्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो ये वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि इसके 23 पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आपको उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर पहले कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो चलिए ये वीडियो शुरू करें। यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, उसके चार ऑप्शन दिखाए जाएंगे। आपको 4 सेकंड के अंदर अपने उत्तर का कमेंट करके हमें बताना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो, उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करें ये वीडियो। देखिए यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन है और यहाँ पे उसके ऑप्शन है। आप अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताते रहिए। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है। इनमें से ये जो बुक है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, इसके लेखक कौन है, और आपको अपना उत्तर इन्हीं में से कमेंट करके बताना होगा। तो इसके लेखक हैं एन आर नारायण मूर्ति, एन आर नारायण मूर्ति ये हैं लेखक इस बुक के। अगला क्वेश्चन कि भारत का कौन सा राज्य भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। काली मिर्च का बताना है आपको, बेहद आसान क्वेश्चन। तो इसके लिए सही उत्तर है केरल। काली मिर्च मतलब कि मसाला और मसालों के लिए जाना जाता है केरल। अगला क्वेश्चन कि इनमें से किसे शेरे ए पंजाब के उपनाम से जाना जाता है। तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताया करिए। तो ये हैं लाला लाजपत राय, शेरे पंजाब। अगला क्वेश्चन कि भारत के कौन से राज्य में वर्ष 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। बेहद आसान क्वेश्चन। तो सही उत्तर है सूरत, आपने पढ़ा होगा, यानी कि गुजरात। बढ़ते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है, मतलब कि किस अनुसूची में भाषाओं के बारे में बात की गई है। तो ये है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बात की गई है कि मतलब कितनी भाषाएं होंगी। अगला के अल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो ये है एनीमोमीटर, एनीमोमीटर। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत में हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 14 सितंबर को। और अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 से संबंधित है, मतलब कि यहाँ पे आपको कौन कौन अधिकार मिले हैं और जो अनुच्छेद 6 में है वही आपको ट्रैक करना है। तो अनुच्छेद 6 में है कि कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार, मतलब कि कानून के सामने मतलब प्रत्येक व्यक्ति समान होगा। अगला क्वेश्चन कि जो साभर झील है वो कौन से राज्य में स्थित है। तो साभर झील स्थित है, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट करिए, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस फसल को मानसून के सेट पर और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। तो यह है खरीफ की फसल, मतलब कि अगर आप धान देखते हैं धान, तो ये बिना बारिश के नहीं होता है आसानी से। तो यह है जिसको मानसून के सेट पर और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। अगला क्वेश्चन कि कौन से पर्वतमाला पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलती हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ग सही है, हिंदू कुश पर्वतमाला। अगला कि निम्न में से कौन भारत की एक महत्वपूर्ण फसल नहीं है। बेहद आसान क्वेश्चन है, सही उत्तर है अंगूर, क्योंकि अंगूर को छोड़कर गेहूं चावल और आलू
ये तीनों भारत में पर्याप्त मात्रा में उगाया जाता है, लेकिन अंगूर का उत्पादन उतना नहीं होता है, तो यही हो जाएगी, महत्वपूर्ण फसल नहीं है। अब अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि फारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है। डिग्री सेंटीग्रेड में तो आपको पता है, लेकिन आपको बताना है फारेनहाइट में। तो ये होता है 212 डिग्री फारेनहाइट। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की गई थी? तो ये थे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये साइंस के क्वेश्चन है और रेलवे के एग्जाम में साइंस का भी वेटेज अच्छा खासा रहेगा, इसलिए आपकी वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में सूर्य की किरणें कभी नहीं पड़ती हैं? यहाँ पे देखिए, जो सूर्य के किरणें की बात है, ये सीधे पड़ने की बात हो रही है, तो ये है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर श्रीनगर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? मतलब जिसकी जिसकी अगर खेती हो और उसे हम बागवानी ना कहें, तो ये है मोटे अनाज। मोटे अनाज का मतलब क्या कि मतलब गेहूं, चावल या फिर जौ, ये सब मोटे अनाज में आते हैं। बाकी जो जिनकी उत्पादन कम होती है, जैसे कॉफ़ी, चाय, काजू, चाय तो ऐसे भी बागानों में होती है, चाय बागानों का आपने नाम सुना होगा, उसी तरह काफ़ी है और काजू भी होता है, यानी कि इनमें से जो मोटा अनाज है ये बागानी फसल नहीं है। आगे बढ़ें उससे पहले, जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, ज़रूर लाइक कर दें। आपको बता दें कि इस तरह के और भी पार्ट ऑलरेडी अपलोड है। यहाँ पर बीच बीच में कुछ ऐड आ रहे हैं, आपको स्किप करने के लिए बोला जाता है, तो आप इसे स्किप ना करें। अगला क्वेश्चन है कि तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको तूर या फिर तूहर या फिर और एक नाम से जाना जाता है, और ये होता है अरहर या फिर रहर। अगला क्वेश्चन कि काकोरम राजमार्ग कौन दो देशों को जोड़ता है? काकोरम, काराकोरम। तो इसके लिए सही उत्तर है आपका चीन और पाकिस्तान को, चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है काराकोरम। अगला क्वेश्चन कि हिमालय उत्तर से दक्षिण तक कितने मुख्य समांतर पर्वतमाला से मिलकर बनता है? तो ये मिलकर बनता है तीन। अगला क्वेश्चन कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? बेहद आसान क्वेश्चन, तो ये करवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा, जो कि एक अफगान शासक था। ये बिहार में राज करता था, और बिहार ने कहा तो सासाराम में। इसकी मृत्यु कहाँ पे हो गई? तो कलिंजर के किले के पास मृत्यु हुई थी। और इसने हुमायूं से दो युद्ध लड़ा, 1539 तथा 1540 में। दोनों युद्ध में इसने हुमायूं को हरा दिया। अब हुमायूं कौन था? तो ये अकबर का पिता था और बाबर का बेटा था। अगला क्वेश्चन कि 10 फरवरी को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तुरंत उत्तर कमेंट करके बताइए। तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस। 10 दिसंबर को हर साल क्या मनाया जाता है, पता है आपको? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सही उत्तर है विश्व मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को हर साल, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन कि वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें एक जीव अनेक टुकड़ों में काटा जा सकता है तथा प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है? तो इस तरह की प्रक्रिया को कहते क्या है? जैसे यहाँ पे कहने का मतलब कि एक जीव है, अगर इसको हम 10 पार्ट में काट दिए तो यहाँ पे ये 10 जीव हो जाते हैं। अगर इस तरह कहीं प्रक्रिया संभव हो रही है तो उसे कहेंगे क्या? तो उसे हम कहेंगे पुनरुद्धवन, पुनरुद्धवन। अगला क्वेश्चन कि कौन सा विभवजयोत तनों तथा जड़ों की लंबाई में वृद्धि करता है? बायोलॉजी से क्वेश्चन है, तो यह है शीर्षस्थ विभोत्स। अगला क्वेश्चन कि चीन द्वारा लोक
लोकापरीत विश्व में सबसे पहले पूर्ण विद्युत मालवाहक जहाज में से किस प्रकार के बैटरी का उपयोग किया गया? मतलब जो चीन की लोकप्रिय थी मालवाहक जहाज, इसमें किस प्रकार की बैटरी लगाई गई सबसे पहले? तो ये थी लिथियम आयन की, लिथियम आयन की। अगला क्वेश्चन कि इनमें से किस जिले में पूर्वी घाट के उच्चतम बिंदु हैं? पूर्वी घाट के उच्चतम बिंदु, और ये रहे आपके ऑप्शन जयपुर, उदयपुर, पुणे और विशाखापट्टनम। तो इसके लिए सही उत्तर है विशाखापट्टनम में। अगला कि भारत में कौन सा राज्य मक्का के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मक्का यानी कि पंजाब, और पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा? तो यहाँ पे पांच नदियों के कारण इसका नाम पंजाब पड़ा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 27 जनवरी 2018 को इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महिला स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के लिए कौन सी पहल की? ये क्वेश्चन करंट का है। तो ये पहल थी और इसका नाम था स्त्री स्वाभिमान। देखिए, आपका रेलवे का एग्जाम अगर 2019 में है तो आपको पूरा 2018 का करंट अफेयर पढ़ना होगा। कई बार ऐसा होगा कि 2019 का कुछ पूछेगा ही नहीं, केवल आपको 2018 का ही पूछेगा। तो आपको ये 2018 से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबको अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किसके पास केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति है? मतलब कि जो आय व्यय हो रहा है उसको कौन चेक कर सकता है? तो ये है CAG, नाम आपने सुना होगा। इनका जो हिंदी नाम है ये है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मतलब कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। इनका काम ये होता है कि सरकार कहाँ पे कितना व्यय कर रही है ये रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास रखे, और जब ये अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास रखते हैं तो राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पे रखवाते हैं। अगला क्वेश्चन कि नीचे दी गई समिति में से कौन सी समिति अस्थाई समिति है? देखिए, कुछ समितियां बनती हैं लोकसभा तथा राज्यसभा में, और इनका काम अपना अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन समिति अस्थाई समिति है। तो ये सभी समितियां अस्थाई समिति है, चाहे वो लोकलेखा हो या फिर नियम समिति हो या फिर प्राकलन समिति हो। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति इनमें से किस देश की न्याय प्रणाली से ली गई है? मतलब कि हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रक्रिया है, देखिए क्या पूछा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में और न्यायाधीशों के नियुक्ति की प्रक्रिया है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है फ्रांस से। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारत के परीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान होता है? तो ये क्वेश्चन अभी आया था, ये होते हैं CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा। अगला क्वेश्चन कि नीचे दिए गए समितियों में से कौन सी समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं रह सकता? तो देखिए, यहाँ पे जो भी लोग इस समितियों के अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो किसी भी कोई मंत्री नहीं रह सकते, यानी कि इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन कि संसद की समितियों में से कौन सी समिति के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो इसके लिए सही उत्तर है प्राकलन समिति, प्राकलन समिति। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में कौन से भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया है? न्यायपालिका का, तो ये है भाग 5 में। अगला क्वेश्चन कि इनमें से कहां पर जनहित याचिका दायर की जा सकती है? अगर आप कोई PIL दायर करना चाहते हैं या फिर जनहित याचिका जिसको हिंदी में कहते हैं, तो आप कहां पे दायर करेंगे? देखिए, PIL आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों में दायर कर सकते हैं, लेकिन आप ये जो सेशन कोर्ट होते हैं जिला कोर्ट, उन पे आप दायर नहीं कर सकते। आप या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन कि भारत के कौन से शहर में सबसे गहरा और स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह स्थित है? तो ये है, कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो, विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन कि दिए गए भारत के कौन से राज्य की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है? तो अगर इनमें से बात करें तो ये है सिक्किम। अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी लिपि भारत की सबसे प्राचीन लिपि है? तो ये है ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन, और आपको बता दें कि आप इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आप पीडीएफ से अच्छे तरीके से उसे कम समय में पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप जिस भी वेबसाइट पर जाकर उसे डाउनलोड करेंगे, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे आपको और भी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला कि निम्न में से किसने चित्रा का उपन्यास लिखा, मतलब चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया, ये आपको बताना है। तो ये लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन से फ्रीडम फाइटर ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की? तो ये किया गया था सरदार भगत सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि भारत का पहला निगमीकृत मुख्य बंदरगाह कौन सा है? तो ये है एन्नौर, जो कि केरल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, और भारत में किस वर्ष स्टडी सेवा शुरू की गई? तो ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछा जा चुका है, आप इसे स्टार मार्क कर लेंगे। सन था 1960। और अगला क्वेश्चन कि नीचे दिए गए एशिया के भागों में भारत एशिया के कौन से भाग का हिस्सा है? आपको पता होगा कि भारत एशिया का एक भाग है, तो ये है दक्षिण एशिया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करिए, पीडीएफ डाउनलोड करिए तथा इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए। इसी तरह की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।